इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम ने मनमानी करते हुए उन गलियों को भी कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जहां पर 3 महीने पहले कोरोना संक्रमित मरीज निकले थे। मामला एरोड्रम रोड स्थित कालानी नगर से लगे सुखदेव नगर का है, जब लोग जरूरत के सामान लेने के लिए भी गली से नहीं निकल पा रहे हैं। सुखदेव नगर के घरों में कैद रहवासी अब गलियों में कैद हो गए हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम ने गलियों को दोनों तरफ से बंद कर दिया, जिससे रहवासी बाहर आना जाना बंद हो गया है। सुबह कचरा गाड़ी में कचरा फेंकने के लिए भी रहवासियों को खासी मशक्कत करना पड़ रही है। शिकायत मिलने के बाद खबरवार मंथन की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि गलियां दोनों तरफ से बंद है और लोग गलियों में ही कैद हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि प्रशासन ने फरवरी माह की कोरोना संक्रमितों की सूची के आधार पर हमारी गली को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। रहवासियों का आरोप है कि उनके यहाँ कोरोना संक्रमितों को 15-15 दिन पूरे हो चुके हैं, इसके बावजूद प्रशासन ने उनकी गलियों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया। गलियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि सुबह कचरा गाड़ी आती है तो वह घर से निकला कचरा भी वाहनों में नहीं डाल पा रहे हैं। दूध दवाई जैसी आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए भी वह नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ रहने वाले रोहिताश पांडे ने भी बताया कि उनके पिता को कोरोना हुआ था, वह अभी घर पर ही है और उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है। ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी होने पर ना तो इस गली में एम्बुलेंस आ पाएगी और ना ही मरीजों को लेकर वह बाहर निकल पाएंगे। लेकिन एक थोड़ी सी साइड से जगह होती है तो कोई पर्सनल कोई बीमारी हो जाए तो उसको ले जाना भी हो तो हम इमरजेंसी में कैसे ले जाएं। तो थोड़ा सा साइड से खुला रखें तो हमको कोई वो नहीं, आपत्ति नहीं है। होंगे कोरोना पेशेंट है तो आते ही होंगे, ऐसा भी नहीं कि नहीं है, मगर हमको पता नहीं है तो हम सब वो बन गए ना, एक के पीछे सबको सजा मिल रही है ना। किसी अधिकारी से बात हुई? हमारे अधिकारी से तो नहीं हुई है, लेकिन वो जो बांधने वाले आए थे उनसे हुई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि आपकी इमरजेंसी हो तो आप खोल देना। लेकिन हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट लगा के गई है तो अपन उसके बाहर नहीं जाएं। हम तो चाहते हैं कि वो खुद आके हमको बोले कि आप खोल दो या आप खुद खोल के जाएंगे। आपका नाम? सुशीला जी सालेजा। सब मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं। जब पेशेंट थे फरवरी मार्च में थे, उस टाइम तो कोई ने बैरिकेटिंग नहीं की। अब बैरिकेटिंग कर दी, मेरे हस्बैंड ऑक्सीजन पे हैं, उनको यदि हमको एकदम इमरजेंसी हो जाती तो हम कैसे लेकर जाएंगे, आप बताइए। ऐसी बैरिकेटिंग करने की जरूरत क्या थी कि बिल्कुल जालियाँ लगा दी कि हम लोगों को ना तो कचरा फेंक पा रहे हैं, हम लोग ना दूध वाले से दूध ले पा रहे हैं। बिल्कुल मतलब फरवरी मार्च की सजा हमको अब मिल रही है, जब आपको करनी थी यदि करनी थी बैरिकेटिंग, तो अब बैरिकेटिंग करी और अब हम लोगों को परेशानी आ रही है। इमरजेंसी पेशेंट कौन है, कोरोना पेशेंट कौन है, जब सभी फूल मिल रहे हैं यहाँ। सरकार को ये करना था, प्रशासन को करा, बहुत अच्छा सेफ्टी के लिए करा हम लोगों की, लेकिन उनको ये करना था जहाँ कोरोना पॉजिटिव है जिनके घर के बाहर लगाती है तो पता चलता कि कौन है कोरोना पॉजिटिव। तो कम से कम सब आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, कल भी इतनी भीड़ लग गई आपने देखा, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन है इसमें। सब मना कर रहे हैं कि हमारे घर में कोई भी पेशेंट नहीं है, और कम से कम सरकार बोल रही है यहाँ है या है तो भी कहाँ है, हमको तो पता नहीं चल रहा है। पता तो चलेगी, पता तो चले ना, अब हमको कैद कर दिया। और कम से कम कह रहा हूँ, हमारा नाम सोनिया जैन।